जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल तो मैं संस्कार शुक्ला आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ कि सी पीजी में 250 से प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करें या ऐसे कौन से बच्चे होते हैं और ऐसी क्या टेक्निक या तरीका यूज करते हैं जैसे उनके मार्क्स दो से ज्यादा आते हैं पढ़ाई तो बहुत बच्चे कर रहे हो लेकिन दो प्लस मार्क्स कुछ ही बच्चे ले प, ले पाएंगे और ये वही टॉपर कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनका बी एच ओडिय में होने वाला है ठीक है मैं इस बात बहुत पहले ही क्लियर कर देता हूँ अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना अगर नहीं देख सकते तो अभी ही बंद करके चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन

देखो तुम लोग का जो भी तुम लोग एग्जाम देने वाले होगा एल बी एम ए हिस्सा पॉलिटी का तुम्हारा सिलेबस उसका कंप्लीट हो चुका होगा आज पच्चीस फरवरी है अब तक हो जाना चाहिए था और उसका एक बार रिवीजन भी हो चुका होगा जिनका दो बार हो चुका है तो भैया बल्ले बल्ले क्या ही बात है ठीक है अब तुमको एक चीज नहीं करनी है तुमको बहुत सारे यूट्यूब में फूड ब्लॉगर मिल जाएंगे जो सी का ज्ञान इस समय बांटने लगेंगे बरसात में मेढक आ जाते हैं ना इस समय वही मेढक आ रहे हैं तो तुमको कोई भी नया टॉपिक पढ़ने को बोलेंगे या तुमको कोई नई किताब पढ़ने को बोलेंगे या तुमको अपना कोई टेलीग्राम में मटेरियल देखे तो उनके मुंह में ही वो मटेरियल मार देना कोई तुमको नया मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है आज पच्चीस फरवरी हो चुकी है तुम कोई भी नया बुक नया मटेरियल पढ़ने वाले ना उसका कोई फायदा नहीं निकलने वाला है गारंटी की ले लो ठीक है अगर तुम्हारा रिविजन टाइम रिविजन हो चुका है अब देखो कि तुम जैसे अपन कई सारे बच्चे का पेपर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और रिवीजन हो चुका होता है फिर वो इतने अच्छे मार्क्स क्यों नहीं स्कोर कर पाते अब उसका मेन रीजन देखो है क्या बहुत सारी जो मिस्टेक करने वाले बच्चों यहां पे करते हैं ठीक है पहली बात तो तुम एक काम करो कोई भी मॉक टेस्ट कोई भी टेस्ट सीरीज कोई अब पीवाचेज कर लो मेरी जरूर नहीं स्टडी कैपिटल की तुमने कहीं और की परचेज करके रखी है कोई दिक्कत नहीं है अब अगर तुमने टेस्ट सीरीज नहीं परचेज की है तो एन टी ए के मॉक टेस्ट आते हैं फ्री वाले वो ले लो और सबसे बेस्ट तो मैं बताता हूं पीवाई क्यू जो पी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुका है दो हजार तेईस वाला उसको लगा लो और जो बाईस वाला इक्कीस वाला सबसे बेस्ट ये तरीका है अब देखो बहुत सारे बोले सर हम तो पेपर लगा रहे हैं हम तो टेस्ट सीरीज हमें लेके रखी है अब देखो तुम टेस्ट सीरीज लगाने के बाद क्या कर रहे हो आधे ज्यादा बच्चे तो सो के उठते हैं अखबार पढ़ते हैं कि अरे यार कल विराट कोहली ने रन नहीं मारे वो लगता है इसरो की शादी उससे हो गई है ना और ये सब ऐसा कोई सीरियसनेस साथ अगर मॉक टेस्ट देने वाले हो ना तो कुछ भी नहीं होने वाला अगर तुम तो मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें इतनी सीरियसनेस होनी चाहिए कि जिस दिन तुम अगर बारह मार्च को तुम्हारा पेपर है रात दो बजे से पेपर है तो तुमको मॉक टेस्ट में भी उतना सीरियस होकर देना है तभी जाके उस मॉक टेस्ट की वैल्यू निकलेगी ठीक है मतलब ऐसा सोच के पेपर दोगे ना चलो उठ के पेपर दे देते हैं अरे इतने कम मार्क्स आए फिर अपना मोबाइल चाने लगे या इंस्टाग्राम में रील्स पटा रहे हो उसके बाद मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला अगर मॉक टेस्ट परचेस किया है या टेस्ट सीरीज कहीं की ही परचेस की है तो उसको उतना सीरियसनेस के साथ दो जितना सीरियस तुम अपने पेपर के दिन होने वाले हो उसको कुछ फायदा निकलने वाला है ये स्टेप करने के बाद आपको अगला मॉक टेस्ट मार्क्स के है। एक बात मुझसे गारंटी लिखवा के ले लो तुम कहीं का भी मॉक टेस्ट लगा लो पंद्रह हजार का बीस हजार का एक लाख का दो करोड़ का तुम्हारे मॉक टेस्ट कभी भी रियल पेपर के बराबर नहीं हो सकता तो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम पता क्या करते हैं सर मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और कई बार ऐसे डिमोटिवेट हो जाते हैं और मेन पेपर में भी बिगाड़ के आ जाते हैं मॉक टेस्ट तुमको पता है मार्क्स के लिए दिया ही नहीं गया है मॉक टेस्ट में बस तुम उस कंडीशन को बार बार विजुलाइज करो कि भैया मैं पेपर के दिन भी इसी तरह दो घंटे बैठने वाला हूँ और सेम प्रेशर के साथ पेपर देने वाला हूँ क्वेश्चन तो कभी मैच होंगे ही नहीं मॉक टेस्ट और रियल पेपर के आप उस माहौल को ना बार बार विजुलाइज करो ठीक है जैसे ना मेरे अंदर कोई चीज का डर है उसको बार बार जाकर जैसे ना मान लो मेरी रेस है ठीक है बहुत बड़े बंदे के साथ मेरी रेस है अब उसे जिस दिन मैं रेस के दिन रेस करूंगा तो मैं हार जाऊंगा लेकिन मैं दस दिन पहले उसी माहौल में सेम रेस में प्रैक्टिस करूंगा तो मैं दसवें दिन जाकर उस बंदे को हरा के आऊंगा कि भैया मैंने उस सेम माहौल में सेम प्रेशर में अपने आपको प्रिपेयर करके रखा हुआ है तो मॉक टेस्ट मार्क्स के लिए कभी मत लगाना मॉक टेस्ट में ध्यान रखना कोई मॉक टेस्ट के साथ उसको सीरियसनेस के साथ दो और मार्क्स मुझका मत देखो ठीक है अब देखो नेक्स्ट चीज स्कूल एंड काम बिफोर योर सेल बिफोर पेपर तुमने कहावत सुनी है ना अगर लड़ाई से पहले ही मान लिया कि हम लड़ाई हार चुके हैं तो तुम पचास परसेंट लड़ाई वहीं हार चुके हो और लड़ाई के पहले ही तुमने बात मान मानकर रखी कि मैं तो लड़ाई जीत के रहूंगा तुम पचास परसेंट लड़ाई वहीं पर जीत चुके हो ठीक है सारा दिमाग यहाँ का खेल है ठीक है क्योंकि तुम पेपर में जाकर नहीं बताने वाले कि सर मैं छह महीने तैयारी कर रहा हूँ मैंने कोर्स परचेज किया है उस दो घंटे में तुम जितना यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गए तुम उतना पेपर में अच्छा करने वाले हो तो पेपर से पहले कोई भी अपने मन में ख्याल मत लाना कि मेरा नहीं होगा तो पापा क्या बोलेंगे मेरा ड्रॉप है ये सब है पेपर से पहले अपने आप को शांत रखना दो घंटे आप अपने आप एकदम शांत रख के पेपर देना ये मॉक टेस्ट में भी पहले अच्छे से प्रेपर करना और पेपर एक दिन जब जाओगे तो टेंशन होती है, लेकिन हटा देना टेंशन है, वो दो घंटा सबसे अच्छा परफॉर्म करना है, है, है? है। तो तो परेशान तो मत करो में दो घंटा अपने आपको कॉन्फिडेंट रखो और ऐसा पेपर देकर आना कि बगल वाले को लगे भैया कोई खतरनाक बंदा बैठा था मेरे बगल में ठीक है तो अपने आपको शांत रखो पे बिलीव करो कि भैया पेपर मैं फोड़ के आऊंगा मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की मैंने बहुत अच्छी मेहनत है और पेपर में एकदम तोड़ फोड़ के आने वालों मैं अगला देखो हाँ यू आर बेटर देन 50 मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पचास परसेंट लोग जो वीडियो देख रहे थे अब आपको भाग चुके हैं तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो मतलब आप कुछ बहुत चुनिंदा सीरियस एस्पिरेंट्स में हो ठीक है तो इस बात की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को अब एनालाइज पेपर लेवल अब जब तुम लोग अपना मॉक टेस्ट दोगे तो मॉक टेस्ट में होता क्या है मान लो कोई पेपर ईजी आता है जब ईजी आता है तो आपको क्या लगता है कि यार मुझे ज्यादा क्वेश्चन अटैम्प करने चाहिए क्योंकि पेपर ईजी आया था जब पेपर टफ आता है तो आपको क्या लगता है यार पेपर टफ है मुझे ना माइनस मार्किंग नहीं लेनी है इस तरह से पेपर लगाना है कि मैं सही ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकूं गलत क्वेश्चन में माइनस मार्किंग न और जब आपको पेपर

ठीक है और मैं कहता हूं कि शायद तक मैं कई बार ना मैं शायद तक कम पढ़ के भी जाता हूं लेकिन मैं इस चीज में इतना स्ट्रॉ ना कि मैं अपने आपको हर बार मेरे पेपर में सही मार्क्स आते हैं मैं ना कभी भी ख्याली पलाव पका के पेपर में नहीं जाता हूं मैं इस बात मैं ना तैयार रहता हूं वर्स्ट के लिए और होप करता हूँ बेस्ट के लिए ठीक है अगर तुम पेपर में सोच के जा रहे हो कि पेपर बहुत आसान आएगा मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे मैं तो एकदम तोड़ फोड़ दूंगा एक मिनट में मेरा मैथ्स का आंसर आ जाएगा मुझसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वन टू फिफ्टी तक मेरी सब क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला इस बात के लिए तुम पूरा तैयार रखो कि तुमको पहले से दसवें क्वेश्चन तक शायद तक एक भी क्वेश्चन ना आए और एग्जामिनर करता भी यही है पहले क्या एक से दस क्वेश्चन तक आपको इतना डरा देगा धमका देगा कि आप बाकी पचास क्वेश्चन जो इतने ईजी वाले होते हैं ना आप उसमें भी डाउट करोगे कि यार भारत पंद्रह अगस्त उन्नीस को ही आजाद हुआ था ना आपको इतना डरा देगा वो दस क्वेश्चन तो आप तैयार रहो कि भैया किसी तरह का पेपर आएगा मेरे को अपना जो काम एंड कंपोजर है मुझे उसको खोना नहीं है मुझे अपना मेंटल लेवल खोना नहीं है ठीक है आप इस बात को रेडी रखो कि एक से दस क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे सेट करेगा स्टार्टिंग में ही या एंड में कि आपको डराएंगे और जब आप डराएंगे ना तो आपका जब हमारे पर विश्वास होता है ना आप आपने पर विश्वास होते यार मुझे क्वेश्चन नहीं बन रहा यार अगला वाला भी नहीं बन रहा अगला वाला भी नहीं बन रहा तो ईजी क्वेश्चन वाले में ना जिसका तुमको शायद तक बहुत आसानी से आंसर तुम लगा देते पर क्योंकि तुम अपने आप को ही डाउट करने लग जाओगे तुम पेपर बिगाड़ लोगे ठीक है तो मेंटल प्रिपेयर होकर भैया अपने आपको ऐसा प्रिपेयर होकर जाओ कि भैया कैसा ही पेपर आएगा मैं अपना एकदम आराम से पेपर दूंगा और जो भी जैसा कंडीशन रहेगी उसको आराम से झेलूंगा ठीक है अब अगली चीज़ देखो टाइम मैनेजमेंट इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा बट टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना जो एल वाले बच्चे हैं तुम्हारे लिए खासकर तुमको लैंग्वेज भी आनी है तुमको कॉम्प्रिंस भी आनी है तुमको मैथ्स भी आनी है तो बेटा तुमने कहीं भी टाइम मैनेजमेंट ऊपर नीचे किया ना तो पेपर की जय श्री राम हो जाएगी कोई कुछ चांस बचने वाला है है ना तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आएगा बस ये कितना इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस है उस चीज़ के बारे में ही बताऊंगा मैथ्स का माया जाल ये वीडियो के ऊपर की भी आपकी एक अपकमिंग वीडियो आएगी क्योंकि ये दस मिनट की वीडियो में मैं सब चीज़ें नहीं बता सकता ये दो टॉपिक्स के ऊपर आपको सेपरेट वीडियो आएगी और कब आएगी आपको इसी वीडियो में पता लगेगा वेट करो ठीक है अब होता है तर्क को शांति की आवश्यकता है मान लो एक एल एल बी वाला पेपर है ठीक है और रीजिंग आपको पता है रीजिंग में क्या ब्लड रिलेशन है ए बी का फूफा है बी सी की माँ है बी और सी की चाची है सी डी का चाचा है डी ई e की मम्मी है तो तो अब एफ क्या है है ठीक तो अगर आप रीजनिंग क्वेश्चन कर रहे हो और तुम्हारी शांति भंग हो चुकी है क्योंकि तुमने मैथ्स और रीजनिंग रीजनिंग में में टाइम ज्यादा ले लिया है तो तुम reasoning में जीरो बटा सन्नाटा लेके आने वाले हो ठीक है तो टाइम मैनेजमेंट मैथ्स को कैसे टैगल करना है जैसे अपन रीजनिंग रीजिंग अगर तुम अपने आपको शांत रखोगे ना तो रीजनिंग में गलती हो ही नहीं सकती लेकिन ऐसा एग्जामिनर होने ही नहीं देता क्योंकि पहले ही तुमको डरा धमका देगा और रीजनिंग में गोली मार देगा ठीक है तो रीजनिंग के ऊपर भी आपको एक वीडियो में दूंगा है ना

वॉरियर माइंड सेट होता है ठीक है लड़ाकू वाला माइंड सेट होता है है ना तो आपको इन सभी चीजों को फॉलो करना है। अब तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको नब्बे परसेंट लोगों से बेहतर हो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं मैं अगले वीडियो में वीडियो स्टैट्स भी जारी कर दूंगा यह वीडियो केवल मुश्किल से बहुत कम बच्चे देख रहे होंगे पहले बच्चे सारे भाग चुके हैं सोचो तो कितना कम उनका कॉन्शियस लेवल है तुम अगर इस अब तक के वीडियो को देख रहे हो ना तो तुम उन सीरियस एस्पिरेंट्स में हो जो तोड़ने वाले हो इस साल ठीक है तो चलो अब तुम लोगों के लिए एक और चीज तुमने यहां तक वीडियो देखा है तो कुछ आपके लिए इनाम है इस चीज के बारे में तुम लोग का जो मैथ्स का माया वाला वीडियो आने वाला है वो अट्ठाईस फरवरी को तुम लोग मिल जाएगा मैं ही बना के दूंगा और इससे अच्छी स्ट्रेटी मैथ्स के रिलेटेड कोई नहीं बता पाएगा ठीक है रीजनिंग जो होती है ना गद्यांश जिसको अपन रीजनिंग कहते हैं उसके ऊपर सौ परसेंट स्कोर करें उसको भी गद्यांश वाला वाला वो वीडियो तुमको मार्च को मिल जाएगा रीजिंग शक्ति कहते हैं ब्लड रिलेशन ये सब इसमें का वीडियो तुमको दो मार्च को मिल जाएगा और टाइम मैनेजमेंट की मार्च को मिल जाएगी. ये वीडियो जिस दिन मैंने डेट है, उस दिन आपको पांच बजे शाम को वीडियो मिल जाएंगे ये मेरी गारंटी है थीके? और ये वीडियो इतने होने वाले है ना कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ही बताना लास्ट में क्योंकि लंबा नहीं बनाना चाहता मैं आप सबसे जरूर जानना चाहता हूँ कि आप सबको इस वीडियो कैसा लगा आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट करके बताना और हाँ इस वीडियो में लाइक टारगेट है 250 का ठीक है तो इस 250 लाइक कर देना मैं आप सबको 28 फरवरी को मिलता हूं मैथ्स के मायाजाल के स्ट्रेटजी के साथ एक लास्ट में एक और चीज बोलना चाहूंगा अपने आप विश्वास रखो मैंने आप सबको पैंतालीस दिन मैंने खुद यूट्यूब में क्लास लिया और मैंने देखा तुम तो लोगों ने कितनी मेहनत की है ठीक है घबराओ मत अपने आप पे विश्वास रखो आप लोग बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करने वाले हो ठीक है और जो लोग सोचते हैं ना तुक्का लगा के वो टॉप हो जाएगा ऐसा हो ही नहीं सकता चलो भाई अपन मिलते हैं अठाईस फरवरी को मैथ्स की स्ट्रेटजी के साथ